अरे ये क्या जमाई राजा, तुमने तो दारू पी रखी है। अरे ससुर जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? शादी ब्याह में ये तो सब चलता ही है। मैंने थोड़ी सी इस खुशी के मौके पे शराब पी ली तो क्या बुरा कर दिया? क्यों पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तू ठीक कह रहा है बेटा। अरे पंडू जी, आप फालतू बातों में टाइम जाया मत करिए। जाओ आप फेरों की तैयारी करो। वैसे ही आप लड़की वाले हो, कुछ समझा करो। जैसी आपकी इच्छा मदनलाल जी। ससुर जी, बरातियों की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। सेवा होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, और मेरे दोस्तों की तो स्पेशल सेवा होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, मेरे दोस्तों के लिए 5 पेटी बढ़िया विस्की मंगवा दीजिए। अरे पंडू जी, 5 की बजाय 10 पेटियां मंगा लीजिए। बाकी जो बच गई हम घर ले जाएंगे, रात की पार्टी में काम आएगी। और ससुर जी, मेरे शगुन वाले 30 लाख रुपए वो भी तैयार रखना। मदन लाल जी, आपने तो कहा था कि हम दहेज में 1 फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, फिर अब ये 30 लाख? अरे ससुर जी, हम दहेज थोड़ी मांग रहे हैं। आप जो एसी, कार, सोना ये कुछ देने वाले हो, ये तो आपकी बेटी के काम आएगा। और रही बात 30 लाख रुपए की, ये 30 लाख रुपए भी तो आपकी बेटी के ही काम आने हैं, क्योंकि हम उस 30 लाख रुपए से उसको मकान बनवा के देंगे। आपकी बेटी तो उस मकान में रहेगी ना? मदन लाल जी, फिर वो मकान किसका है जिसमें आप रहते हो? किराए का है। मदन लाल जी, आपने तो बोला था कि ऐसे हमारे 3 मकान और है। बोला था ससुर जी, बोला था, तो झूठ थोड़ी बोला था। हमारे पास ऐसे 3 किराए के मकान और है, जो हमने 5,000 रुपए किराए में ले रखे हैं और आगे 8,000 रुपए किराए में चढ़ा रखे हैं। ये तो हमारा बिजनेस है, समझे आप? पंडू जी, आप पैसों का प्रबंध कीजिए बस। मगर मदन लाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ससुर जी, अगर पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो ये शादी तो कैंसिल समझो, ओके? मदन लाल जी, आपका बेटा ये क्या बोल रहा है, इसे समझाओ ना। ये ठीक ही तो कह रहे हैं पंडू जी, हमें 30 लाख रुपए नगद मिलेंगे अभी, तभी तो शादी होगी, वरना नहीं। मदन लाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ये शादी ना हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये लीजिए ससुर जी, ये हमारे जमीन के कागजात हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए और जमीन आपकी हो जाएगी आज से। आप तो 30 लाख की बात कर रहे हैं, ये जमीन पूरे 50 लाख की है। अरे बहू, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है तो ये जमीन के ही कागजात ना? हाँ हाँ ससुर जी, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, आप इनसे ही पढ़ा लीजिए। हाँ पिताजी, आपकी बहू झूठ थोड़ी बोलेगी, ये तो जमीन के कागजात है, इन पे आप साइन कर दो, फिर मैं कर देता हूँ। जजमान, सभी तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, क्यों न वरमाला यहीं पहनाई जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी। बेटी जाओ वरमाला लेकर आओ। अभी लाई पिताजी।
पिताजी, वरमाला तो मैं भी डलवा लूंगा, पर आप फेरों से पहले 30 लाख रुपए शगुन वाले मत भूल जाना लेने। अरे इन्होंने अपनी 50 लाख की जमीन के कागजात हमें दे दिए, अब रह क्या गया? चुप कर गधा कहीं का। ये क्या तमाशा हो रहा है? ससुर जी आप जरा इधर होइए, मैं बताती हूँ इन्हें क्या तमाशा है। हरामी कहीं का, जब तुम दोनों बाप बेटा मिलके तमाशा कर रहे थे तब नहीं सोचा? अरे बहू ये क्या कर रही है तू? मदन लाल जी, मेरी बेटी जो कर रही है, जो कह रही है, एकदम सही कह रही है। अब तुम दोनों बाप बेटा जाओगे सीधा जेल में। किस जुर्म में जाएंगे हम जेल में? दहेज मांगने के जुर्म में, समझा? अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने तुमसे दहेज मांगा है? प्रूफ है ये कागज, तुम दोनों बाप बेटे की साइन किए हुए, जिसमें लिखा है कि तुम्हें दहेज के नाम पे एसी, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोना चांदी और 30 लाख रुपए नगद चाहिए, समझे? दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।